आज यहां के जो दीप प्रज्वलन हुआ कि भगवान महावीर जी के संदेश को सारे विश्व में वो संदेश पहुंचे, इसलिए दीप प्रज्वलन करके उसको प्रकाश में करके गया करने किया गया। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि इस दीप प्रज्वलन से सारे विश्व का अंधेरा छट जाएगा, लेकिन भगवान महावीर जी के संदेश जो है तो सारा विश्व का अंधेरा भी एक साथ अगर आएगा तो उनके विचारों के प्रकाश को नष्ट नहीं कर पाएगा। ये ताकत भगवान महावीर जी के संदेश की है। आज सारे विश्व को भगवान महावीर जी के संदेश की आवश्यकता है। विश्व तीसरे महायुद्ध के कगार पर है, ऐसे में अहिंसा का संदेश अगर पूरे विश्व ने स्वीकारा तो निश्चित तौर पर भगवान महावीर जी के विचारों के कारण इसको रोका जा सकता है। ये बड़े मैं तो जैन नहीं हूं, लेकिन यहां पे सारे भगवान महावीर जी को मानने वाले हैं। 2014 में जब मैं महावीर जी चुनाव लड़ रहा था तो मैं नामांकन करने जा रहा था, रस्ते में जैन मंदिर मिला, मुझे साथियों ने वहां पे लेके गए। वहां पे महाराष्ट्र महाराज का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगा। अगर मुझे आप वचन देते हो कि संसद में जाके वो वर्ष हत्या के बंदी के ऊपर काम करोगे वो भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद मिला और मैं 2014 में सांसद बना और ऐसे सांसद बना हम लोग 8 सांसद एक साल में आके महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी का कानून बनाने के लिए सरकार के पास हम लोगों ने मदद किया। राष्ट्रपति जी तक वो फाइल पहुंचाई, उनकी साइन होने तक वहां तक वहां लोग बराबर उसका फॉलो लेते रहे और वो कानून बना के गोवंश हत्या बंदी का कानून हम लोग जब जिंदगी जीते हैं तो हमेशा ये सोच के जीते हैं कि पैसा संभाल के रखिए बुरे वक्त में काम आए। लेकिन मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं महावीर जी के अहिंसा के वचन के साथ चलिए, पूरा वक्त ही नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी हमें ऐसी जीनी चाहिए, उन पेड़ के पत्ते जैसा नहीं जो छूटकर जमीन पर गिरे, बल्कि उन मेहंदी के पत्तों जैसा जीना चाहिए जो खुद पिसकर दूसरे के जिंदगी में धन अभी भगवान महावीर जी ने हमें दिया है और हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके विचारों के साथ चल रहे, उनका विचार आगे बढ़ाने का काम कर रहे। इसलिए उनके आशीर्वाद से मैं जैसे कहते रहता हूं कि दुनिया में भाग्यशाली वो होता है जिसके पास उनके साथ भोजन भी हो, नींद के साथ बिस्तर भी हो और धन के साथ धर्म भी हो। और हमारे जैन समाज के विश्व में अहिंसा का संदेश देने का जो काम कर रहे हैं वो सही मायने में धर्म का काम आप लोग कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, फिर से एक बार महावीर जयंती की आपको सबको बधाई देता हूं और जितने भी आयोजक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम में उपस्थित रहने का मुझे
मौका दिया और इतने बड़े महाराष्ट्र के सामने मुझे दो बातें कहने का मौका दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देके मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर। तो पूरा वक्त ही नहीं आएगा, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बात क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी देखना, मैंने हमेशा से ये सारे विश्व को महावीर जी ने संदेश दिया है अहिंसा का, तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि उनके वचनों पे अगर हम लोग चलेंगे तो विश्व में शांति होगी। और इसलिए धर्म वो नहीं, जात पात धर्म पंथ मानने वाला वो नहीं, मैं कहता हूँ धर्म यानी हम जो कर्म करते हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए जो कर्म करते हैं वो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे भाग्यशाली इंसान वो होता है जिसको भूख के साथ भोजन हो, जिसके पास दिल के साथ बिस्तर हो और धन के साथ धर्म। कई लोग होते हैं जिनके पास धर्म होता है, धन होता है, लेकिन धर्म नहीं होता। लेकिन महावीर जी के विचारों को साथ में लेकर चलने वाला जो जैन समाज है, इनके पास धन तो है लेकिन धर्म का काम भी करते हैं। धर्म यानी जात पात या ये भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ये धर्म का काम नहीं। धर्म का काम यानी जो महावीर जी ने उनको शिक्षा दी है, वो शिक्षा से समाज में अच्छा अच्छे कर्म कैसे करें, सारे समाज को हम लोग किस तरह से साथ में लेके चले, ये धर्म का काम इनके माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये अगर महावीर जी के विचारों पे हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर विश्व शांति